दिल से मान्यवर मैं इस बात को कर रहा हूं, मेरे इलाके का ये भावनात्मक विषय है मान्यवर। जब मैं जाता हूं अपनी विधानसभा क्षेत्र में और औरतें मुझसे पूछती हैं कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो पा रही, मान्यवर नौकरी नहीं है बच्चों के पास, एक रहा सा गन्ना इलाका है, मेरे इलाके में गन्ना प्रधान इलाका है, और मान्यवर 4 साल से आप रो एक रुपया नहीं बढ़ा रहे हैं। इतनी दी बद से बदतर मेरे इलाके की कर दी मान्य अध्यक्ष इन्होंने। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है, मैं हूं भारत कोठिया। उत्तराखंड में इन दिनों विधानसभा सत्र का आयोजन हो रहा है। विधानसभा सत्र जो है वो इस बार उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित हो रहा है। इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें सबसे अहम घोषणा थी उत्तराखंड में एक और मंडल की बढ़ोतरी। जी हाँ, अब उत्तराखंड में कुल मिलाकर 3 मंडल हो जाएंगे, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल और नया मंडल जो है वो होगा गैरसैंण मंडल। जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये घोषणा की है कि नए मंडल में जो पुराने 2 मंडल हैं उस दोनों मंडलों में से 2-2 जिलों को शामिल किया गया है। गढ़वाल मंडल की बात करें तो इसमें से रुद्रप्रयाग और चमोली को शामिल किया गया है नए मंडल में, और कुमाऊं मंडल की बात करें तो इसमें से अल्मोड़ा और बागेश्वर को नए मंडल में शामिल किया गया है। इन 4 जिलों से नया मंडल बनेगा जिसका नाम होगा गैरसैंण मंडल। अब इस सत्र के दौरान एक ऐसा वाक्य भी हुआ जिसे आप सभी लोगों को देखना चाहिए। दरअसल हुआ ये कि अपने सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में, अपने वक्तव्य के दौरान जो उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से मंगलौर विधानसभा से विधायक है, विधायक मोहम्मद निजामुद्दीन, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को इस कदर बता रहे थे कि वो इतना भावुक हो गए कि वो खुद अध्यक्ष के सामने रो पड़े। जी हाँ, विधायक जो है वो कांग्रेस के विधायक हैं, विधायक निजामुद्दीन, और वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को, ज़्यादातर उनके क्षेत्र में जो खेती होती है वो गन्ने को लेकर खेती होती है, तो उनकी समस्या भी जो थी वो गन्ने को लेकर थी, गन्ने के निर्धारित मूल्य को लेकर थी, उसी को लेकर वो अपनी समस्या अध्यक्ष के सामने रख रहे थे और वो इतने भावुक हो गए कि वो खुद को रोने से नहीं रोक पाए। उनका कहना था कि वो लगातार इस समस्याओं को, इन तरह की समस्याओं को, गन्ना की समस्याओं को या किसानों की समस्याओं को लगातार सदन में रखते हैं, और जो ये मुद्दा है जिसके लिए वो रो पड़े उस मुद्दे को लेकर वो लगातार सदन में या सत्र के दौरान लगातार इस समस्या को रखते थे, लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई ठोस कदम नहीं रखा है। उनकी जो समस्या थी वो गन्ना निर्धारित मूल्य को लेकर थी कि जो गन्ने का निर्धारित मूल्य है उस पर राज्य सरकार ने अभी तक 4 साल में बढ़ोतरी नहीं की है, और इसके अलावा अगर भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार अभी तक 55 रुपये गन्ने के निर्धारित मूल्य में इन 4 सालों में बढ़ा चुकी है। तो इसी को लेकर उनकी जो समस्या थी वो अपने अध्यक्ष के सामने इस समस्या को रख रहे थे कि जब वो क्षेत्रवासियों के पास जाते हैं, जब उनसे मिलते हैं, तो उन्हें तरह तरह की समस्याओं का, तरह तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है, पर उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पिछले कई समय से इस समस्या को सत्र के दौरान या आवाज़ उठा रहे हैं इस समस्या को लेकर, लेकिन सरकार उस पर कोई विचार नहीं कर रही है। और क्या कुछ बोला उन्होंने अपने अभिवक्त में, अपने अभिभाषण में, अपने वक्तव्य में, आप भी सुनिए। चीनी मिल में, मैं गन्ने के काश्तकार के बारे में बात करूं, जब हरीश रावत जी ने 2-326 रुपए घोषित किए थे तो उस समय डीजल का भाव 54 रुपए प्रति लीटर था। मान्यवर, जिस समय ये भाव घोषित हुए और उस समय में आज में फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स लगभग 30% बढ़ चुके, लेबर लगभग 70-75% बढ़ चुकी। मान्यवर, 54 रुपए डीजल से लगभग 85 रुपए डीजल हो चुका। काश्तकार पानी देता है, बिजली महंगी हो चुकी, पलेवा करता है, उसका भांगा करता है, पलेवे के बाद बताऊ आने का इंतजार करता है, लेबर कंपोनेंट को तो आप जोड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे। बार बार भारत सरकार और राज्य सरकार कहती है कि हम स्वामीनाथन आयोग का को उसकी सिफारिश मान रहे हैं। कहाँ है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश मान्यवर? अध्यक्ष महोदय, हालत बद से बदतर यूं मैं कह रहा हूँ कि किसान की उपज, किसान जो अपनी मेहनत कर रहा है या लागत लगा रहा है, उसकी कीमत दिन पर दिन बढ़ रही है, और अफसोस की बात यह कि आप उस कीमत को रोक सकते हैं, आप डीजल की कीमत घटा सकते हैं, लेकिन आप तो महंगाई मानने को भी तैयार नहीं। दूसरी तरफ जो चीनी मिल अपने उत्पाद बढ़ा रहा है उसमें
मेजर पार्ट चीनी का है, हमको चीनी के थोक भाव बता दिए जाते हैं। मान्यवर, अभी आपके विधानसभा की कैंटीन से मैं 3 पाउच उठाकर लाया हूँ। ये वाइट शुगर है, ये ब्राउन शुगर है, ये शुगर फ्री है मान्यवर, ये हमारे चीनी मिलों की ही उपज है। अगर इनको आप किलो में देखेंगे, 5-5 ग्राम के पैकेट, 10-10 ग्राम के पैकेट, मान्य अध्यक्ष जी ये कई कई रुपए का एक पैकेट बिक रहा है। अगर इनको किलो में कन्वर्ट करें तो चीनी की कीमत 100 रुपए किलो से भी ऊपर पहुंच रही है। मान्यवर, हमारे लिए तो बताने को 32 रुपए किलो बताई जाएगी, लेकिन जब हम उसको एक्चुअल देखें तो उसकी कीमतें कहीं के कहीं पहुंच रही हैं, जिसका फायदा उद्योगपति को पहुंच रहा है और किसान को उसका भयानक चेहरा चीनी का दिखा दिया जाता है और डरा दिया जाता है। जब 2016 में मोलेसिस का भाव, शीरा जो उसका बाई प्रोडक्ट है, उसका भाव लगभग 350 रुपये प्रति क्विंटल था, और मान्यवर आज लगभग 550 या 550 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है। मान्यवर, जो कोजेनरेशन प्लांट से होता है लगभग 4.25 रुपये प्रति यूनिट था, और आज वो लगभग 4.25 रुपये प्रति यूनिट हो चुका। सिर्फ किसान को ही दबाने के लिए ये सरकार चीनी के गन्ने का भाव दबा कर रखती है। आखिर कहां आपकी सहनशीलता गई माने मंत्री महोदय? पहले किसान की खेत में गन्ने की रिकवरी 9-10% के आसपास होती थी, लेकिन इस कड़ी मेहनत के बाद आप ही का आंकड़ा कह रहा है, जो एग्रीकल्चर सर्वे में कल पढ़ रहा था उसमें लगभग 12.5-11.5% किसान ने मेहनत करके रिकवरी पहुंचा दी मान्यवर, लेकिन उसको उसका सिला क्या मिल रहा है? कमर तोड़ दी। सरकारी आंकड़ा है, प्रैक्टिकली 13 होगा, जो चीनी मिल प्राइवेट है उनकी वजह से कम होती है रिकवरी। मान्यवर, कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। मैं अक्सर माननीय अध्यक्ष जी मुझसे, मैं सदन में जब अपनी बात रखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखूं। मैं जब भी कोशिश करता हूं मान्यवर, मैं बेपढ़े लिखे कोई सदन में बात करने की कोशिश नहीं करता, और मैं अपने दिमाग से जो भी बेहतर चीजें हो सकती हैं मैं करने की कोशिश करता हूं जनहित के विषयों को। लेकिन मान्यवर, आज मैं कतई अपने दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से मान्यवर मैं इस बात को कर रहा हूं। मेरे इलाके का ये भावनात्मक विषय है मान्यवर। जब मैं जाता हूं अपनी विधानसभा क्षेत्र में और औरतें मुझसे पूछती हैं कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो पा रही मान्यवर, नौकरी नहीं है बच्चों के पास, एक रहा सा गन्ना इलाका है, मेरे इलाके में गन्ना प्रधान इलाका है, 10% इलाका इस इलाके का, देश का कृषि इलाका ऐसा है जहां गन्ना बोया जाता है, लाखों लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और मान्यवर 4 साल से आप एक रुपया नहीं बढ़ा रहे हैं। इतनी बद से बदतर मेरे इलाके की कर दी मान्य अध्यक्ष जी इन्होंने। मेरे आज शब्द कम पड़ रहे हैं इस विधानसभा में मान्यवर, मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं। मैं यहां से जाता हूं, माँ मुझसे सवाल होता है कि तुमने विधानसभा में क्या किया, मैं भी गन्ने का विषय उठाकर इस विधानसभा में शर्मिंदा हो गया कि कोई विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं किया कि मैं, अब मेरे सहयोगी गन्ने पर इस विशेष विधानसभा में बात नहीं करते। लेकिन मुझे अफसोस माननीय अध्यक्ष जी के सरकार के कान पर चू नहीं रही थी। आज मैं क्या जवाब दूं जाकर वहां विधानसभा से कि भारत सरकार 55 रुपए बढ़ाती है और मेरी सरकार 55 पैसे नहीं बढ़ाती, मैं क्या जवाब दूं वहां जाकर? माननीय अध्यक्ष जी क्या जवाब देंगे आप? मान्यवर, कोई जिद नहीं, कोई ईगो नहीं, लेकिन आप लाखों लोगों की रोजी रोटी पर ध्यान करिए। मान्यवर, आज मैं उन लाखों लोगों की तरफ से आपसे, मैंने कभी कोई ऐसी चीज की मांग नहीं मांगा, लेकिन मैं उनकी पेट को की आग बुझाने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भावनात्मक विषय है, आर्थिक विषय है, कम से कम आप आज बड़ा दिल कीजिए, इसी पेराई सत्र में आप गन्ने का भाव महंगाई के अनुपात में बढ़ाइए, कम से कम ऐसा तो कीजिए कि जिस अनुपात में डीजल की कीमत बढ़ी है, जिस अनुपात में खाद की, फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ी है,
उस लेबर कंपोनेंट बढ़ा है मान्यवर, उस में आप इसको बढ़ाइए मान्यवर। मैं वेल में भी आ सकता हूँ, मैं शोर भी मजा सकता हूँ, मैं विरोध भी कर सकता हूँ, लेकिन ये विरोध करने का विषय नहीं मान्यवर, ये वेल में आने का विषय नहीं, लेकिन मान्यवर ये भावनात्मक विषय है। इस पर आपकी मुझको संरक्षण चाहिए। सरकार को निर्देशित करें मान्य अध्यक्ष जी के हमारे इस गन्ने की कीमत को यथाशीघ्र बढ़ाएं। और मैं एक आपको मान्य अध्यक्ष जी अंत में एक बात कह देना चाहता हूं कि ये मेरी भावनाएं, ये मेरे आंसू, ये मेरी कमजोरी मत समझना। अगर आप आज भाव नहीं बढ़ाते तो मान्यवर ये आंसू आपको ले डूबेंगे। धन्यवाद मान्य अध्यक्ष जी। अब जहां एक तरफ पूरे देश में पिछले कई महीनों से 3 नए कृषि कानूनों को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कुछ किसान संगठन लगातार इन 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, विपक्ष विरोध कर रहा है, हालांकि जो भारत सरकार है वो इन 3 नए कृषि कानूनों का लगातार समर्थन कर रही है, नए नए तरीके, नए नए किसान मेले का आयोजन करके, नए कार्यक्रमों का आयोजन करके, किसी ना किसी तरह पैम्पलेट या फिर कोई भी माध्यम, इंटरनेट के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से इन 3 नए कृषि कानूनों के फायदे किसानों तक और देशवासियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो कुछ किसान संगठन और विपक्ष है वो लगातार इन कानूनों का विरोध कर रहा है। अब बात राज्यों की करें तो उत्तराखंड में जो है बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी जो बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर भी इन 3 नए कृषि कानूनों का समर्थन है। राज्य सरकार, उत्तराखंड राज्य सरकार भी लगातार इन 3 नए कृषि कानूनों का समर्थन कर रही है, नए कार्यक्रम आयोजन कर रही है, किसान मेलों का आयोजन कर रही है, किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। लगातार जो किसान, जो मंत्री हैं, जो नेता हैं भाजपा के, वो किसानों से मिल रहे हैं, गांव-गांव जाकर इन 3 नए कृषि कानूनों का फायदा बता रहे हैं, किसानों के हित में बता रहे हैं। लेकिन सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जब 4 साल से एक मुद्दे को लेकर एक विधायक को संसद में रोना पड़ रहा है तो वो कितना गंभीर है किसानों को लेकर। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।